हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी एसिड बेस एंड सॉल्ट की, जिसमें एक तरीके से तीनों को मैंने बता दिया था। इसमें एक प्रोसेस, एक रिएक्शन बताई थी मैंने आपको, न्यूट्रलाइजेशन। इस न्यूट्रलाइजेशन का एवरीडे लाइफ में हम यूज देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें सबसे पहले आपको न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, जो मैं बता चुका हूँ, पर एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, या फिर बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो साल्ट बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। ये जो रिएक्शन है यही कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें देखिए, बेस एसिड के और एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है। ये जो साल्ट होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल साल्ट होगा, अगर दोनों ही क्या हों, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हों तो। इसमें जो बात समझने की है कि रोजाना के जीवन में क्या काम आ सकता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसमें फर्स्ट मैं बात करूंगा सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग, देखिए, जब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, सॉइल है आपके पास, कहाँ होगी, सीधी बात है खेतों में होगी, इसमें किया जाए फर्टिलाइजर्स का यूज, तो सॉइल या तो हो जाएगी एसिडिक या हो जाएगी बेसिक, ठीक है। अगर एसिडिक हो जाए सॉइल, क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए सॉइल, तो इसमें बेस यूज करें, बेस यूज करें, तो ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रल बना देगा और हमारी जो सॉइल है वो कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। अगर बेसिक हो जाए तो एसिड यूज करें तो ये इसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगा और सॉइल कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल, यानी जैसी हमें चाहिए। तो इसमें जो बेस जो यूज करना है आपको वो है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको सॉक्ड लाइम कहते हैं, सॉक्ड लाइम। ये एक बेसिक फॉर्म में है, इसकी नेचर बेसिक होती है और ये इस एसिडिक इफेक्ट को जो सॉइल के अंदर आया है उसको ख़त्म कर देगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ एसिडिक, तो हम ऑर्गेनिक कुछ सब्सटेंस डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस डालेंगे तो इस पर माइक्रोब्स एक्शन करेंगे और माइक्रोब जब एक्शन करते हैं इस ऑर्गेनिक मैटर के साथ तो एसिड प्रोड्यूस होता है। वो एसिड क्या करेगा, इस बेस के इफेक्ट को कम कर देगा या ख़त्म कर देगा और सॉइल हमारी हो जाएगी न्यूट्रल। तो पहला तो ये फ़ायदा है डेली रूटीन में सॉइल टेस्टिंग, ठीक है। सेकंड है एंटीडोट्स फॉर स्टिंग, एंटीडोट फॉर स्टिंग। देखिए, अगर कोई एंट यानी चींटी या फिर बी यानी मधुमक्खी अगर डंक मार देती है, स्टिंग अगर आपको काट लेती है, तो ये रिलीज करती है एसिड। कौन सा एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड रिलीज करती है हमारी स्किन के अंदर, जिससे हमको बर्निंग फील होती है, जलन होती है और वहाँ पे स्वेलिंग भी आ जाती है। तो अगर आप यहाँ, क्योंकि एसिड है तो आप इसमें क्या डालें, इसमें ऐड कर दें बेस, मेलेमाइन का सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं आप, इसके अंदर एसिड पाया जाता है, बेस पाया जाता है सॉरी, जो इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा और हमारे जो बर्निंग हो रही है इसके एंड स्टिंग की वजह से और जो स्वेलिंग आएगी आगे वो नहीं होगी। एक ये है, एक होता है वैस्प यानी ततैया,
सुना होगा आपने नाम। तो ये जो वैस्प होता है ये जब इसके स्टिंग में पाया जाता है बेस, तो अगर आपको वैस्प अगर काट ले उसका स्टिंग आपकी बॉडी के अंदर चला जाए तो आप इस मेलेमाइन सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे तो इफ़ेक्ट और बढ़ जाएगा, आपके जलन बर्निंग और बढ़ जाएगी, स्वेलिंग और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये भी बेस और ये भी बेस। तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा एसिड। आप विनेगर का यूज़ कर सकते हैं, एसीटिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसका इफ़ेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा, बर्निंग और स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। सेकंड जो रोज़ाना के जीवन में न्यूट्रलाइजेशन का यूज़ है, फ़ायदा है, वो है एंटीडोट फॉर स्टिंग। थर्ड है टूथपेस्ट इज एल्केलाइन। टूथपेस्ट इज एल्केलाइन। एल्केलाइन और बेसिक एक ही बात होता है। देखिए जो हमारे टूथ होते हैं इनमें कैविटी का खतरा रहता है, क्यों? क्योंकि टूथ में फूड पार्टिकल स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, इन पे माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं और माइक्रोब्स इस फूड पार्टिकल को डीकम्पोज करते हैं, क्या करते हैं, डीकम्पोज और रिलीज करते हैं एसिड। ये एसिड ही इस कैविटी का कारण बनता है। तो ज़रूरी है हम इसमें क्या ऐड कर दें, बेस ऐड कर दें। और जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं इनमें बेसिक सब्सटेंस पाए जाते हैं जो इनको न्यूट्रल कर देते हैं और हमारे जो टूथ हैं वो कैविटी से बच सकते हैं, सड़ने से बच सकते हैं, डिके फ्री हो जाते हैं, सड़न फ्री हो जाते हैं। ये थर्ड इफेक्ट था या थर्ड यूज था एक तरीके से। एक एसिड बर्न, एसिड बर्न, देखिए कई बार बहुत सारी फैक्ट्रीज में एसिड का यूज होता है और एसिड का यूज होता है तो वो कभी कभी स्किन पे डल गिर जाता है और ये एसिड जो है वो स्किन को जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, जिससे होती है जलन। तो एसिड है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो इसको ठंडे पानी से धोएंगे, वॉश विद कोल्ड वाटर, और ऐड करेंगे बेस। ये बेस इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगा। बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं आप बेस में, बेकिंग सोडा बेस होता है और जिससे आपकी स्किन पे बर्निंग कम हो जाएगी, ख़त्म तो नहीं होगी क्योंकि स्किन जल चुकी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और लास्ट है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर नंबर फोर्थ। देखिए सीवेज वाटर नालियों का गंदा पानी, इसमें होता है बहुत ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो कि किचन वगैरह से चले जाते हैं, लेट बाथ से चले जाते हैं, सभी बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इन पे करते हैं माइक्रोब्स एक्शन और प्रोड्यूस करते हैं एसिड। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो फैक्ट्रीज़ का पानी है, घरों का पानी है, इसमें बेस ऐड कर सकते हैं जिससे कि ये पानी जो है वो न्यूट्रल हो जाए। पीने लायक तो नहीं होता, पर होता क्या है कि ये जो एसिड है ये बहुत सारे छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं जो पाए जाते हैं किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी नाले को ऐड होना है किसी ना किसी नदी में या तालाब में, वहाँ पे पाए जाते हैं बहुत स्मॉल छोटे छोटे छोटी मछलियाँ, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स, एक्वाटिक लिविंग थिंग्स। उन एक्वाटिक लिविंग थिंग्स को ये परेशान करता है, कई बार मर भी जाते हैं वो। तो इसमें अगर जो फैक्ट्री से निकला हुआ है या घरों से निकला हुआ है तो उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, बेसिक सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं जिससे कि एसिडिक इफेक्ट न्यूट्रल हो जाए और उन वाटर बॉडीज़ में रहने वाले जो लिविंग थिंग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बात थी कि न्यूट्रलाइजेशन का क्या फ़ायदा होता है डेली लाइफ में, और भी है, जैसे एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी में एसिड ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है हमारे स्टमक में, तो हम चाहें तो बेस ऐड कर सकते हैं जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उससे हमारे जो स्टमक के अंदर जो एसिड बना हुआ है वो न्यूट्रल हो जाएगा और हमको एसिडिटी से रिलीफ मिल जाएगा। तो ये बात थी इसकी। आगे हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की, और इंडिकेटर्स के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।